नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के कराची में 26 अप्रैल को चीनी नागरिकों को निशाना बनाकर हमला किया गया था। कराची यूनिवर्सिटी में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के पास एक वैन के पास हुए विस्फोट में 3 चीनी नागरिकों सहित 4 लोग मारे गए थे। इस आत्मघाती हमले के बाद कहा जा रहा है कि क्या चीन पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर सकता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जब पाकिस्तान में चीनी नागरिकों को निशाना बनाकर हमला किया गया। पिछले बहुत सालों से चीनी नागरिकों को टारगेट करके पाकिस्तान में हमला किया जा रहा है। इस हमले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमले के बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भागे भागे इस्लामाबाद स्थित चीनी दूतावास पहुंच गए और चीन से कहने लगे कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि अपराधियों को सजा नहीं दिला देते। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर लगातार हो रहे हमले के कारण पाकिस्तान पर दबाव बढ़ता जा रहा है और अगर ऐसा चलता रहा तो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर खटाई में पड़ सकता है। चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हू जीजिन ने कहा है कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और पाकिस्तानी सरकार की मंजूर मिलने के बाद पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक का चीनी सेना का समर्थन करता हूँ। बलूच लिबरेशन आर्मी ने काफी समय से पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा है। बलूच आर्मी ने कई बार ग्वादर में बन रहे चाइनीज फोर्ट का भी विरोध किया है। बलूची लोग इसे सीधे तौर पर बलूचिस्तान में चाइनीज का अधिग्रहण मानते हैं और समय समय पर चाइनीज के ऊपर हमला करते रहते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हू जीजिन सरकार नहीं है और न ही सरकारी प्रतिनिधि है, लेकिन वह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्य प्रचारकों में से एक है। ऐसे में चीन सरकार की पॉलिसी को बेहतर तरीके से समझते हैं। एक्सपर्ट्स इसे एक तरह से पाकिस्तान को चेतावनी दी जाने की तरह ही देख रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन पाकिस्तान से कहना चाह रहा है कि अगर आप पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो हम पर छोड़ दीजिए, हम संभाल लेंगे। इसे ही लेकर पाकिस्तान घबराया हुआ है और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भागे भागे चाइना के दूतावास गए। अब आप समझ जाइए कि किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को किसी देश के दूतावास जाना पड़े तो उस देश की क्या इज्जत रह जाएगी। वैसे भी अब तो पाकिस्तान के लिए चाइना ही सब कुछ है। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर टीटीपी के कथित ठिकानों पर निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान में हवाई हमले किए थे। इस घटना ने इस्लामाबाद और काबुल के बीच में टेंशन बढ़ा दी थी। दोनों देशों के सीमावर्ती इलाकों में और अधिक हिंसा झड़पों की संभावना भी बढ़ गई थी। अफगानिस्तान के खोस्त और कुनार प्रांतों में हुए हवाई हमलों के परिणाम स्वरूप 4 महिलाओं सहित 47 निर्दोष नागरिकों की मौत हो गई थी। इस घटना ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तालिबान सरकार के बीच तनाव को काफी बढ़ा दिया था। तालिबान के एक अधिकारी ने बयान में चेतावनी भी दी है कि यदि पाकिस्तान भविष्य में इसी तरह से हमला करता रहा तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उधर पाकिस्तान ने उल्टा तालिबान सरकार को दोषी बता दिया है और कहा है कि तालिबान सरकार टीटीपी को रोकने में विफल रही है। बयान देने और हमलों की निंदा के अलावा तालिबान ने पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कुछ भी नहीं किया है। इसका सबसे बड़ा कारण एक है कि तालिबान सरकार पूरी तरीके से पाकिस्तान पर निर्भर है और तालिबान सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी प्राप्त नहीं है, जिसकी वजह से तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ ज्यादा बड़ा मुंह नहीं खोल सकता है। चूरन रेखा पर रहने वाले अफगानों के लिए हवाई हमले तालिबान और विदेशी ताकतों अमेरिका और नाटो के बीच पिछले 2 खूनी दशकों की हिंसक लड़ाई की एक भयानक याद दिलाती है। आतंकवादी रोधी रणनीति के नाम पर पाकिस्तान की क्षति का जबरदस्त प्रदर्शन इस प्रकार खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कबायली इलाकों और पूर्व संघीय शासित कबायली क्षेत्रों की एजेंसियों में अफगानिस्तान में हिंसक झड़प का परिणाम हो सकता है। चूरन रेखा का मुद्दा भी दोनों देशों के बीच कलह का विषय बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को उम्मीद नहीं थी कि उसकी प्रॉक्सी तालिबान सरकार अफगानिस्तान में सत्ता में आने के बाद से सीमा पर बाढ़ लगाने पर आपत्ति उठाएगी।